व्हाट इज अप एंड व्हाट इज अप, कैसे मैंने फ्रॉम इवेंट्स की लाइन से, या कैसे मैंने अपने कॉलेज में जब मैं छोटे छोटे इवेंट्स करता था, आज मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, इवेंट्स टू फैक्ट्री। तो ये सफर कितना बड़ा है, वो कैसे किया, और इसमें ये कोई नहीं है कोई मेरी डिफिकल्टीज लाइफ की, या मैंने बहुत एक रात बिना खाए सोया, ये सब नहीं है भाई। बहुत ही मस्त चिल आउट जिंदगी जिया हूँ मैं, ठीक है। बहुत पार्टी भी करी है, बहुत मजे भी करे हैं, बहुत घूमा फिरा भी हूँ। के बाद थोड़ा जब काम करने के बारे में, तो काम भी करा, साथ में पैसे भी कमाता था, सब कुछ, मतलब वेरी आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई लाइफ। अगर तुम मुझे बोलोगे ना अपनी जिंदगी के वापस कैसे शुरू कर रहा था, मैं बोलूँगा भाई ऐसे शुरू करूंगा। तो 2009 में मैंने कॉलेज शुरू किया था, बीबीए कर रहा था जिम्स वसंत कुंज, अपना वसंत कुंज से, ठीक है, दिल्ली से। तो वहाँ पर गया मैं, करना शुरू किया, तो मुझे पहले 6-7 महीने में चमक गया कि यार अब तो बोर हो रहा हूँ मैं इसमें, मतलब मजे नहीं आ रहे, पढ़ाई भी ऐसी कुछ टफ नहीं है, और कितनी तफरीबाजी करूंगा दोस्तों के साथ। मतलब दोस्तों बन गए थे, घूमते फिरते थे, ठीक है, क्लब व्लब में जाना, ये घूमना, ये खाना पीना, ये वो सब करना, तो तब चलता था, ठीक है। और उसमें भी मतलब पैसे भी खर्च हो रहे थे, और वो भी होता मजा भी नहीं आ रहा था भाई, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं पैसे जोड़ जोड़ के खा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय पॉकेट मनी भी जीते थे, और पॉकेट मनी तो पहले ही 5 दिन में खत्म हो जाती थी। तो मैं सोचा भाई कि चल कुछ काम करते हैं। तो पहला साल तो ऐसे ही निकला, 6 महीने 7 महीने हो गए, 8 महीने, 2 सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर हो गया, ठीक है। फिर दूसरे सेमेस्टर के लिए आया, तब मेरे को आया मेरे दोस्त का कि भाई एक ना इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में चलेगा, क्या बोलते हैं तेरा उसमें क्या है, देखो बस प्रमोशनल एक्टिविटी करनी है, तो उससे पैसे कमा सकता है। मैंने बोला भाई ये सब मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कोई वो नहीं हूँ जाके प्रचार करने वाला, मैं प्रमोशन वमोशन वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो भाई चिल करता हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, हैंडबॉल खेलता हूँ, जो मर्जी खेलता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, मजे करता हूँ, और मैं वैसे वाला आदमी हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। 2010 की बारी है, 2010 में आया था कॉमनवेल्थ भाई, बस वहीं से बदला मेरा गेम। कॉमनवेल्थ में मैंने वॉलंटियर किया था, उस टाइम पे तुम लोग को शायद पता हो ना हो कि उस टाइम पे वॉलंटियर होते थे, वॉलंटियरशिप प्रोग्राम था, तो मैंने वॉलंटियर किया था, वॉलंटियर करा ना, तब मेरे को वहाँ पर मेरे दोस्त मिला, बोलता भाई ये तो बढ़िया चीज़ है, इवेंट्स कराते हैं, हम भी अपने इवेंट्स कराते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट कराते हैं, वो सब कराते हैं। मैंने कहा चल ठीक है करा लेंगे, देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। पूरा वो 2 महीने का था वो सर्टिफिकेट, और एनजीओ के सर्टिफिकेट भी होते हैं, अगर कोई कॉलेज में पढ़ा तो सबको मालूम होगा कि एक एनजीओ का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो वो जो वो वॉलंटियरशिप प्रोग्राम था बहुत बड़ा था, और उसमें ना हमें कपड़े भी मिले थे, तो भी मिले थे, बहुत कुछ मिला था। वैसे ही उधर के जो मिले थे दोस्त, वैसे ही मतलब अच्छे दोस्त बन गए थे। तो उन्होंने बोला चल यार भाई ये फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ना फुटबॉल तो खेलते ही हूँ, लोगों को जानते ही हूँ मैं, जहाँ ही खेलता हूँ वहाँ खेलता हूँ, स्पोर्ट्स तो कर ही रहा हूँ मैं जिंदगी भर, और करा क्या मैंने। फेसबुक पे ऐड रन किया, फेसबुक पे मार्केटिंग करी, उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम था भी नहीं जब करा था हमने, ठीक है, व्हाट्सएप था, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं करते थे हम, तो कॉलिंग और मैसेज करते थे, हाँ फेसबुक ही करते थे भाई। जई के नाम से अभी भी सर्च कर लेना, जई स्ट्रीट सॉकर टूर्नामेंट IPL एक्सटेंशन कराया था, और हमें खुद ही नहीं चमका 148 टीम्स आ गई। और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ कि भाई 148 आ गई, क्योंकि वो ऐसी आ गई, कोई हमने स्ट्रगल नहीं किया, आराम से चिल करते थे कॉलेज में, कॉलेज के अंदर कॉलेज के बाद आराम से बैठते थे, टीम्स को कॉल करते थे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे फुटबॉल होता था उनको बोलते थे भाई कोई नंबर दे दे। फेसबुक पे थोड़ा बहुत इवेंट लॉन्च करते, उस टाइम पे फेसबुक के इवेंट्स आप क्रिएट कर सकते थे, हाँ कि भैया ऐसे ऐसे इवेंट्स क्रिएट कर सकते थे, आज भी कर सकते हो, पर उस टाइम पे बहुत ही इफेक्टिव थे वो, क्योंकि इंस्टाग्राम तो था 700 रुपये एंट्री ली थी उस टाइम पे हमने, अच्छे लाख 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास आए थे। फिर स्पॉन्सर्स भी आ गए, उन्होंने बोला भाई ये तो हमने मचा दिया यार, मतलब ये तुक्के में हुआ है, 2011 के तुक्कों में हुआ है, ठीक है। फिर ये हुआ तो फिर हमें और बहुत सारे लोग मिल गए, बहुत सारे लोगों ने बोला भाई आप ये भी इवेंट करा लो, वो भी इवेंट करा लो, प्रमोशनल इवेंट करा लो, प्रगति मैदान में इवेंट करा लो। हम खुश हो गए, हाँ पैसे भी ले लिया हमने, पैसा आ गया भाई क्या करें। फिर अब इतना पैसा आ गया, लक्ष्मी नगर में ऑफिस भी ले लिया भाई, चले यार फील लेते, क्योंकि पैसों को कुछ था नहीं, बस खाना पीना था और उतने पर खर्चे पर हो रहे थे। करते 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 वो भी गए थे, एक प्रमोशन इवेंट आया तोशिबा वालों का, उन्होंने बोला भाई आप आ जाओ इधर प्रमोशन करो, आपको मिलेंगे 1500 रुपये पर डे। तो 1500 वॉज अ वेरी गुड अमाउंट बैक देन, 2010-11 में बहुत अच्छा था, 10 दिन का था, कुछ 15-20 हज़ार 18 हज़ार रुपये मिलते, हाँ 12 दिन का था। अब भाई उसका भी क्या करें, चलो भाई मजे करते हैं, खाते पीते, क्योंकि अब वो इतने पैसे थे ना हम उससे कोई गाड़ी बाइक ले सकते थे, और वो इतने कम भी नहीं थे कि हम साला रेस्टोरेंट में खा के ख़त्म भी नहीं कर सकते थे। तो ना बीच में फंस गए थे, साला क्या करें, या तो इतना कोई महंगा ज़्यादा बहुत ही पैसा कमा लेते तो कोई अच्छा खरीद लेते, या बहुत ही इतने पैसे कमाए थे जो हम कुछ कर नहीं सकते थे। और इन्वेस्टमेंट तो भाई नो, इन्वेस्टमेंट मालूम भी नहीं थी हमें क्या होती है इन्वेस्टमेंट, क्या नहीं, क्या होता है निफ्टी बीस, क्या होता है इंडेक्स। मैंने अपने कोर्स में जो मेरे ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन और ड्रॉपशिपिंग वाला कोर्स है ना, उसमें बताया इतना भी कमाते हो ना इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, प्लीज इन्वेस्ट करो, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे गाइडेंस के लिए कोई नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे दौर भी कुछ और था। तो एनी वैसे ऐसा कोई बिड्डा नहीं हुआ मैं, पर जो बात है ना एकदम पैसा कमा लेते तो समझ नहीं आता वो वाली चीज। फिर इवेंट्स कराते करते 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 फिर मैं महामाया स्टेडियम यहाँ पर इवेंट्स कराने लग गया, गवर्नमेंट टेंडर वाले इवेंट्स कराने लग गया, मतलब इस तरह पहुंच गया मैं। नौकरी बीच में नौकरी भी स्टार्ट की थी, पर 1-1.5 महीने में निकाल दिया था मेरे को, क्योंकि मुझे फील ही नहीं आ रही थी और चमक नहीं रहा था मेरे को। 2016 में हो गए हम बोर भाई की, अब तो भाई बोर हो रहे हैं धीरे धीरे करके यार, ये तो इसमें मजा ही नहीं आ रहा। 2017 में भी हम इवेंट्स ही करा रहे हैं, 2000 मतलब मैं बहुत इवेंट करा, मैं 2012 से लेकर 2017-18 तक अच्छे पैसे भी कमा लेते, मतलब अच्छे पैसे मैं किस सेंस में बोलूँ, अच्छी सेविंग हो गई थी, गाड़ी भी ले ली थी मैंने स्विफ्ट भाई, वो भी
मतलब 3 लाख रुपए उस टाइम पे कैश डाउन देके ली थी, मतलब विच इज अ वेरी गुड 2014-15 में, वेरी गुड थिंग भाई। 3 लाख रुपए कैश डाउन देके गाड़ी वाड़ी भी ले ली थी और भाई चल भी रहा है स्वैग अपना कि भैया छाप रहे हैं वैसे सब कुछ कर रहे हैं। 2015-16 तक, 16 के बाद मुझे मेरे दोस्त ने बोला, मुझे एक मेरा दोस्त मिला था सौरभ मिश्रा, बोला कि भाई चल अपना तो इतने स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाया है, इतने लाखों में लोगों को जानता ही है, तो उनके लिए कपड़े बना ले, उनके लिए जर्सीज बना ले। मेरा हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, क्या फैक्ट्री थी ठीक है, वो निफ्ट कॉलेज का पढ़ा हुआ था उसका कॉलेज फैक्ट्री फैक्ट्री थी, तो मैंने बोला हाँ भाई मैं ऑर्डर दे दूंगा अपन कर लेंगे। तब मुझे समझ आया कि भाई पल्ले सबसे पहले जो प्रिंट होता है सब कुछ होता है, जैसे ये प्रिंट है ठीक है, ये सब्लिमेशन है, तो तब मुझे समय मालूम नहीं था सब्लिमेशन क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसने फिर बताया कि भाई ऐसे कपड़े पे रख के ना पेपर से प्रिंट करते हैं सब्लिमेशन हो जाता है, पहले पेपर निकलता है फिर कपड़े में फ्यूजिंग होती है, टेम्परेचर आता है, ये आता है, वो तो सब सब सीखा मैं समझा। फिर मैंने सीखा रबर प्रिंट क्या होता है, DTF क्या होता है, स्क्रीन प्रिंट क्या होता है, ये प्रिंट क्या होता है, वो प्रिंट क्या होता है, पूरा A to Z समझा। फिर हम करते गए हमने गेल का ऑर्डर पकड़ लिया, हमने करते करते ONDC का ऑर्डर पकड़ लिया, हमने अच्छा ऑर्डर पकड़ लिया, मतलब जो होता है ना फिर नाजा स्कूल का ऑर्डर पकड़ लिया, और उसमें भी हमने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया था, लोगों आगे ले गया था, मतलब थोड़ी दिक्कत कर दी थी हमने, लेकिन वो भी नहीं आता मैं भी नहीं आता 2015-16 में। फिर मेरे को ना तो फिर टी शर्ट प्रिंटिंग में मालूम पड़ा कि भाई कॉपरेटिव सप्लाई कर सकते हैं, इंडिया मार्ट पे कर सकते हैं रजिस्टर, यहाँ कर सकते हैं रजिस्टर, इंडिया मार्ट पे क्या, इंस्टाग्राम पे क्या, सोशल मीडिया पे क्या, आप करने लगे समझ आ गया भैया इधर से ये ऑर्डर आ सकते हैं। फिर हमने बोला चला B2B करेंगे, इतने ऑर्डर आ रहे हैं 10-5 पीस का नहीं करेंगे, B2B करते फिर हमारा थोड़ा सा मैंने बताया लड़की के चक्कर में थोड़ी हो गए अलग हो गए। फिर मैंने अपना शुरू कर दिया विजन प्ले के नाम से 2017 में फुल फ्लेजेट, 2015-16 में तो कर ही रहा था, 2017 में फुल फ्लेजेट GST नंबर के साथ करना शुरू कर दिया। और फिर छापा तुम्हारे भाई ने पैसे, तुम्हारे भाई ने छापे पैसे, इन द सेंस GST बनने लग गया, सब कुछ करने लग गया और एक अच्छा अच्छा ऑर्डर पकड़ने लग गया, क्योंकि यह फेस ऑफ द कंपनी मैं था, मार्केटिंग मैं करता था, वो प्रोडक्शन था, तो जनता मेरे पास आ गई। अब मैंने भी छोड़ा, मैंने बता दिया कि वहाँ भी है और मेरा भी है, आपको जो अच्छी लगती क्वालिटी ले लेना। करते करते जर्सी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इसके सप्लायर बन गया मैं, ठीक है, अच्छी अच्छी जगह पे, इनक्रेडिबल इंडिया समझ रहे हो, क्रेडिबल इंडिया। अगर किसी को मेरे बारे में और जानना है तो मेरी वेबसाइट है visionsplay.in देख लो, इस पर क्लिक करो, मेरे सारे क्लाइंट्स हैं इनक्रेडिबल इंडिया, जितने ये नेम द ब्रांड हम उसके करने लग गए थे, ठीक है, अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी कंपनी के काम करने लग गए थे। करते करते स्पोर्ट्स अपैरल में हम अच्छा करने लगे, कॉर्पोरेट सप्लाई में करने लगे, पर कॉर्पोरेट सप्लाई में मेरे को लगा यार एक पॉइंट पे यार ये तो मतलब वही हो रहा है, थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, अब क्या करें। फिर मेरे को एक मेरे संजय भैया हैं, उन्होंने बोला कि भाई मेरी ऐसी जगह है गाजियाबाद में, फैक्ट्री डालते हैं और आपके तो ऑर्डर आ रहे हैं, आप मुझे इसका ऑर्डर देते रहो, करते रहते हैं। मैंने चलो ठीक है, जगह आपकी, मशीन मेरी, इन्वेस्टमेंट लगाए, चलो भाई शुरू। अब इसमें प्रॉफिटेबल क्या है तुम समझो, मशीन मैंने दे दी, कल को अगर बिजनेस डाउन भी हो गया मेरा तो मशीन 50% रेट में निकल जाएगी, ठीक है, ढाई अगर 2-2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो भैया 1.25 लाख रुपए में तो मशीन कहीं टाइम बिकी जाती है, ठीक है, वो ऐसी मशीन बिक जाती है, 1.5 लाख 1.30 में निकल जाती है, 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है मुझे ताकि मेरा नुकसान खत्म हो जाए। और वो तो ऑर्डर से आ गया था, मतलब 2-2.5 महीने में कमा लिया था हमने, तो भाई सॉलिड है, कोई टेंशन नहीं, अपना ये हुआ सप्लाई हुई, चलो भाई करना शुरू हो गया। बेस्ट पार्ट ये हो रही है कि भैया यहाँ पर मेरी अब खुद की फैक्ट्री होगी, जहाँ 2015-16 में सौरभ से सिखाया मुझे सब कुछ किया, आज मैं 2018 में अपनी फैक्ट्री डाल चुका हूँ, समझ रहे हो। अब तुम सोच रहे हो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा हूँ मैं तो उसमें फेलियर नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा फेलियर आएंगे, मैं अपने फेलियर नहीं बता रहा, फिर ना मुझे ऐसे कोई फेलियर बताने का शौक है, क्योंकि मैंने ऑटो बिजनेस भी होता है, अपने जैसे पैसे देने होते हैं, ऑटो मनी भी होते हैं, बट डूड दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान, वी डोंट गिव अ फक अबाउट इट, ठीक है, अपने को फोड़ना है। फिर आया कि भाई कोविड आ गया, कोविड में 1 साल पूरा बंद, 2020 वाला तो पूरा ही बंद, बिजनेस सब पूरा ठप्पा, पर लकीली हमारा सेविंग इतनी थी, लकीली उस टाइम पे मैं इन्वेस्टमेंट अच्छी करने लगा था, हाँ 2017 में इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया था, स्टॉक मार्केट मतलब ये सब के कोर्स करना शुरू कर दिया था मैंने, ठीक है, जो पैसा कमाता था छोटे छोटे कोर्स करते रहता था, जैसे आज मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन और ड्रॉपशिपिंग का कोर्स करो, ये 10,000 का कोर्स आपको लग रहा होगा महंगा है क्या है क्या नहीं है, मैं उस टाइम पे 10-15 हज़ार का कोर्स करता था, आज के टाइम पे 10,000 का कुछ रेट नहीं है, उसमें तुमको सैंपल्स भी दे रहे हैं, लाइव सेल सपोर्ट भी दे रहे हैं, और बेस्ट चीज पता क्या दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हें भैया एवरी सैटरडे लाइव सेशन है, बैठो समझो, फोन पे समझो, वीडियो कॉल पे समझो, जैसे जूम पे समझो, समझो क्या डिफिकल्टी आ रही है मुझे बताओ, तो मैं सॉल्व करूंगा। 2021 में फिर जब बिजनेस खोलना ना दुगना पैसा दिया मेरे को, ये मैंने अपने कोर्स में बताया, जो मेरा 2020 में मुझे लग रहा था ना भाई बर्बाद हो गया मैं, 2021-22 में मेरे को पैसे डबल आए, जितने आज तक पैसे कमाए थे ना उतने मैंने 2021-22 में छाप लिया था, और अब आया 2022 में बोला साल भाई आप स्कूल यूनिफॉर्म काम शुरू करो, तो आप 2023 है और स्कूल यूनिफॉर्म काम शुरू कर चुके हैं, बहुत जल्द तुम मुझे अच्छे अच्छे स्कूलों को भी दिखोगे कि मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी दिखोगे कि अच्छे अच्छे स्कूल में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, उनसे टाइप कर चुका हूँ, विच विल टेक टाइम, मतलब मेरा टारगेट है इस साल में एटलीस्ट 5 स्कूल पकड़ना, 5 स्कूल लेकिन 5 से 10 हज़ार के बच्चे होने, बड़ा हाई टिकट गेम खेल रहा हूँ मैं, बहुत हाई टिकट गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि उसमें पैसे भी अटकते हैं सब कुछ भी होता है, लेकिन विद द टाइम आपको बताते जाऊँ करते, ये तो थी मेरी जर्नी, अगर ये मेरी अच्छी जर्नी लगी ना राइट सुपर SUPER सुपर लिखो, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज राइट सुपर, आई विल बी रियली हैप्पी कि तुम यहाँ तक पूरा वीडियो देखा हो, चलो थैंक यू सो मच गाइज, और या अच्छा था आज का ये।
और मजे करो।